आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम बाबू सिंधु मंडल। अच्छा अच्छा, तो मंडल साहब ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है गोसावा ब्लॉक का सजेलिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत। गोसावा ब्लॉक, गोसावा ब्लॉक ग्राम पंचायत सजेलिया। और ये जो कैनल के पास हम खड़ा है ये है सुधांशुपुर। सुधांशुपुर, अच्छा। तो ये जो कैनल है आपका, ये कैनल इसमें पानी रहता है? इसमें नहीं, अभी तो नहीं रहता है, बहुत पहले रहता था। मानसून में खरीफ में रहता होगा? हाँ, खरीफ में रहता होगा। अच्छा, वो तो है क्या, जो हमारा जो जमीन है इधर तो हम लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है जो मानसून के बाद पानी नहीं रहता है। मानसून के बाद पानी नहीं रहता है? नहीं, अच्छा, तो इसलिए हम तो धान ही चाश करते हैं। ये तो पूरा धान ही धान है आपका? ये तो एक ही आप लोग एक ही चास, एक ही बारी चास होता है। अच्छा, पानी जब बारिश जब गिरेगा तब चास होगा। अच्छा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या है जो हम लोग का दिक्कत है, तो ये खाने के लिए तो मिल जाता है इधर, लेकिन दूसरा क्रॉप इनकम के लिए आपका नहीं होता, तो हमको बाहर जाना पड़ता, बाहर जाना पड़ता है, काम करने जाना पड़ता है। अच्छा, बाहर जाना पड़ता। तो अभी आपका जैसे कि अभी तो रबी सीजन आया था, शीतकाल। हाँ, तो शीतकाल में कोई खेती नहीं होता, बोरो धान ही होता? नहीं, होने के लिए पानी चाहिए ना। अच्छा, पानी नहीं, तो नहीं है मेरा पास। अच्छा, एक तो ये सुंदरबन एरिया है, रेन फेड एरिया ही है, पूरा रेन फेड एरिया। और वो जो आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडीज जो है वो तो पूरा बंद हो गया, इसमें पानी नहीं रहने से तो हम लोग खेती बाड़ी कर नहीं सकते। नहीं सकते, तो ये जो ठीक से जब बनेगा तो हम लोग इधर खेती बाड़ी कर सकते हैं, दूसरा क्रॉप भी हो सकता है। अच्छा, तो इसमें जो ये खाल है इसका कितना डिस्टेंस कितना है खाल का? तो डिस्टेंस है लगभग आपको 1 किलोमीटर का ज़्यादा है। 1 किलोमीटर, और इसका वेट कितना होगा? वेट तो होगा आपको तो 80 से 100 फीट। 80 से 100 फीट, अच्छा। तो अभी और आपका जो कोई स्कीम नहीं आया अभी तक हमारा प्रोजेक्ट से, आया कोई स्कीम यहाँ? नहीं, तो आज तक तो कोई स्कीम नहीं आया, आज तक कोई स्कीम नहीं आया। तो और बाकी कोई डिपार्टमेंट से आपको यहाँ कोई? अब देखिए, हम तो सभी डिपार्टमेंट से बोल रहा है जो ये बनाइए ये करिए, तो अभी भी बना नहीं है, कोई स्कीम नहीं लगा है। तो अच्छा, तो अभी आपका इस एरिया में आपके जो ये कौन सा गांव कौन सा है? सुधांशुपुर। सुधांशुपुर में कितने लोग कितने हैं यहाँ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन है तो लगभग नहीं तो 1300 के लगभग। और 1300 के लोग सारे धान चाष ही करते हैं? धान चाष ही करता है, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। शीतकाल में ये लोग काम करने के लिए चला जाता है। तो अगर आप लोगों का खेती बाड़ी से अगर इनकम नहीं हो रहा है तो डेट मीन्स यहाँ आपका मीन्स लोगों का थोड़ा दिक्कत तो है ही। वो कुछ प्रेशर भी है, इसलिए कुछ आदमी तो रिजर्व फॉरेस्ट में जाता है, कांकड़ा मछली पकड़ने के लिए, हानी कलेक्ट करने के लिए, इसलिए तो। पर वो पैसा मीन्स ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज़्यादा लाइव रिस्क होता है वो, कुछ कुछ तो वहीं में तो अच्छा ये एक्सीडेंट भी हो सकता है उधर। अच्छा, तो अभी यहाँ जो आपका पानी का जो जैसे प्रॉब्लम है, आप लोग खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं, पैसा मिलता नहीं आपको, तो इससे आप लोगों का यहाँ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होता है? क्योंकि लोग तो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोगों का भी सोशल प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, सोशल प्रॉब्लम तो है ही। तो हाँ, किस तरह का सोशल प्रॉब्लम्स होता है? वो ये छोटे छोटे जो क्या बोलता है जो कुछ यंग लोग गलत तो कामों में, हमारा जनरेशन का जो जितने सारे लड़के लोग है वो तो अभी कल्टीवेशन का काम नहीं है इलाका में, तो वो लोग सब बाहर चले जाते हैं, केरल और तमिलनाडु ऐसा बहुत सारे जगह पे चले जाते हैं। हमारा गांव सुनसान हो जाता है, गांव का काम भी नहीं होता है। अच्छा, गांव का कोई उन्नति भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है यहां अगर एक आपका एक इस खाल को अगर बना दिया जाए तो आप लोग को क्या क्या परिवर्तन आएगा आप लोगों को लगता अगर है? सबसे पहले जो होगा, हम तो एक साल में एक बार ही कल्टीवेशन होता है हमारे यहाँ, तो अगर खाल हो जाए तो उसका बाद 2 और 3 बार हो जाएगा। और उसका साथ साथ हमारे यहाँ पर वो जो वेजिटेबल का चास पहले होता था बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले बंद हो गया खाल का ऐसा हालात होने के बाद। अच्छा,
और वो चालू हो जाए। वो खाल कितना दिनों के बाद, कितना दिनों तक ऐसा पड़ा हुआ है, कितना साल हो गया? 20 साल से ये खाल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मीन्स 20 से ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, मीन्स 20 साल पहले तक थोड़ा सा वेजिटेबल होता था, पर अभी वो भी बंद हो गया है। ठीक है, तो इसलिए तो बहुत दिक्कत है। वो जो आप यंग जनरेशन वो बाहर काम करने लगता है, तो बाहर जाके बाहर का कोई बाहर का संस्कृति, इधर कोई छोटा मोटा चोरी, हाँ ये सब, हाँ ये सब हाँ, तो होता है, होता है। तो आपको ये लगता है कि अगर सरकार से अगर आदमी प्रकल्प है जो है हमारा आदमी प्रकल्प गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है और विश्व बैंक ने इनको फंडिंग किया है, तो आदमी प्रकल्प आप लोगों के जिस तरह एरिया है इसमें जहाँ एक चांस होता है जिसमें आप लोग एक क्रॉपिंग पे आप लोग डिपेंडेंट होना पड़ता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको पानी दे के इरीगेशन का एश्योर्ड इरीगेशन का सप्लाई मीन्स इंतज़ाम करके आप लोग डबल क्रॉपिंग तीन क्रॉपिंग है ना कर सके। तो इसीलिए आज आए हैं सारे ये पता करने के लिए कि आप लोगों का एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप लोगों का ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स है विश्व बैंक के लोग हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको मैं दिखाऊंगा और कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का कुछ है ना उनकी बात आप लोग सुने सुन के कुछ आगे आएंगे। थैंक यू।